हेलो एचएसबीटी के सभी स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था, जो आपसे रिलेटेड कोई भी अपडेट हो या फिर आप सभी स्टूडेंट की कोई भी प्रॉब्लम जिसका सलूशन अगर आप लोगों को कॉलेज स्टाफ के थ्रू या फिर अगर आपके एफर्ट से पता नहीं चलता है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और साथ साथ व्हाट्सअप नंबर भी डला है, जहाँ आप सभी बच्चे अपनी सारी प्रॉब्लम मेरे तक शेयर करो। उससे रिलेटेड जो भी सलूशन होगा मैं सभी बच्चों तक देने की कोशिश करूंगा। और ये वीडियोज आप लोगों के लिए काफ़ी सही होने वाला है, और एक गुड न्यूज़ अदर स्टेट के बच्चों के लिए भी, हरियाणा के बच्चों के लिए भी। जैसे प्रैक्टिकल डेट को लेके काफ़ी बच्चे हमारे कंफ्यूज थे, जो सर एक तारीख से बताओ, जो अदर स्टेट वाले बच्चे थे, सर हम कैसे कॉलेज आए, कॉलेज वालों ने जान ले रखा है जो एक तारीख से प्रैक्टिकल है। तो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, जो आज एक न्यूज़ जो है, आज आप लोगों ने सुबह सुबह काफ़ी जो बच्चे मेरे ग्रुप में थे, जो बहुत जगह से आ रहे थे, जो भाई 8:30 बजे से लेके 12:30 बजे के बीच में कॉलेज स्कूल खुलेंगे हरियाणा में, तो मुझे लग रहा था एक पल को न्यूज़ फेक है, बट मैं इसलिए कंफर्म नहीं था। हो सकता भाई सरकार का बात है अपना, वो हरियाणा स्टेट का है, लेकिन मेरे मन में तब लग रहा था भाई, जब अभी तक दिल्ली ने नहीं सोचा पेपर कॉलेज खोलने को, ना पंजाब सोच रहा है, ना अभी यूपी अदर के आसपास के आप जितने भी स्टेट देख लो, उन्होंने कोई ऐसा डिसीजन नहीं लिया, बट हरियाणा ले रहा। तो मुझे लग रहा हो सकता है भाई ऐसा कोई गवर्नमेंट का कोई ऐसा पावर हो जो जिस वजह से उन्होंने ले रहा हूँ। लेकिन अभी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो वो न्यूज़ था वो बिल्कुल भी फेक है। हरियाणा के अंदर 1 तारीख से, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, 1 जुलाई से 8:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक का जो टाइमिंग था कॉलेज या स्कूल खोलने का, वो बिल्कुल भी फ्रॉड है, वो न्यूज़ बिल्कुल भी फेक है। आप लोगों को उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। अब बोलोगे आप, इस पूरे कम्प्लीटली वीडियोस को देखिए, मैंने पूरा वो क्लिप भी डाल रखा है, जो कमरपाल गुजर जी, जो आपके, आपको पता होगा, एजुकेशन मिनिस्टर है हरियाणा के, उन्होंने एक छोटा सा वीडियो क्लिप जो अपने ट्विटर अकाउंट पे डाला है, जो उन्होंने उससे रिलेटेड उन्होंने काफ़ी कुछ क्लियर किया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब 1 तारीख से ऐसा कुछ नहीं है जो स्कूल खुलेंगे। अब आप वीडियोस कम्प्लीटली देखोगे तो काफ़ी बच्चे पक्का कमेंट करोगे, जो सर उसमें तो स्कूल की बात है, आप कॉलेज की बात क्यों कर रहे हो। मेरे प्यारे बच्चे, जब भी या स्कूल खुले या कॉलेज खुले, दोनों इकट्ठे ही खुलेंगे, बच्चे दोनों सेम ही है। ये नहीं कॉलेज को पहले खोला जाएगा, स्कूल को बाद में खोला जाएगा, ऐसा नहीं होता। सारा कुछ एक तरीके से होता, सिस्टमेटिक वे से होता। जब भी खुलेंगे कॉलेज के साथ ही स्कूल खुलेगा, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं। अभी तक ऐसे मान लो गवर्नमेंट में कोई मीटिंग भी नहीं बैठी है, जैसे कमरपाल गुजर जी ने कहा है, जिसमें उन्होंने ये चीज़ें सोचा हो, बिल्कुल भी अभी उस पर डिस्कशन नहीं हो रहा, होना भी नहीं चाहिए। क्योंकि आपको पता भी, थर्ड वेव ऑफ कोरोना की वार्निंग गवर्नमेंट को मिल रही है, पहले भी सेकेंड वेव में भी जो हमारे जो भी आपके पता होगा जो निदेशक होते हैं, जो डायरेक्टर होते हैं अच्छे अच्छे एम्स के, जो अच्छे डॉक्टर, उनका पहले वार्निंग आता था भैया ऐसा खतरा होने वाला है, गवर्नमेंट को उन्होंने एक बार बता दिया। आप गवर्नमेंट का काम बनता है, माने ठीक है, नहीं माने सेकेंड को झेल रहे हो, थर्ड को भी झेलोगे। जिनका जो काम था उन्होंने कर दिया। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ, जो अभी कमरपाल गुजर जी ने काफ़ी कुछ क्लियर किया, जैसे कॉलेज एंड स्कूल रीओपनिंग डेट, जैसा कि आपको पता होगा, जो 1 जुलाई से स्कूल खोलने का जो फ्रॉड नोटिस जो था, और काफ़ी कॉलेज वालों ने भी बोला था भाई 1 तारीख को कॉलेज खुल जाएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो ये ऑफलाइन के लिए जो कह रहे हैं ना, प्रैक्टिकल ऑफलाइन होने के चांस, अब मुझे नहीं लगता जो आपके प्रैक्टिकल ऑफलाइन होगा। बोलोगे सर कैसे, तो एक बात बताना, जब नोटिस आया था ऑफलाइन प्रैक्टिकल को लेके, तो उन्होंने नीचे में कंसीडर कर रखा था, जो ये डिपेंड्स करेगा कोरोना केसेस पे या गवर्नमेंट पे। अगर गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज खोलती है तभी तो हम ले पाएंगे, वरना ये तो लेने के कोई चांसेस नहीं है। अगर हो सकता है आने वाले 2-3 दिन में ऐसा हो जाए, बट मेरे कंडीशन अभी बिल्कुल भी मानो तो नहीं, क्यों अभी तक सर ने खुद मीटिंग नहीं की। मतलब क्या है, जो भी मिनिस्ट्री लेवल की बात है अभी तक बिल्कुल भी नहीं हुई इससे रिलेटेड, जो भाई स्कूल खोलने के, अब स्कूल नहीं खुलेगा कॉलेज नहीं, और कॉलेज नहीं खुलेंगे तो आपके प्रैक्टिकल कहाँ से होंगे साहब, आप मुझे खुद बताओ। कोई चांसेस नहीं, बहुत कम चांसेस है ऐसे मान लो आप लोगों के प्रैक्टिकल होने के ऑफलाइन मोड में। अब क्या है, आप लोग बोलोगे जो सर ये चीज़ें क्या है, कैसे समझना, जो थर्ड जो अदर स्टेट स्टूडेंट, प्लीज़ देखिए बाबू, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मैं हर वीडियोज में कहता हूँ, आप सभी बच्चे ना फाइनल नोटिस का वेट करो, जो फाइनल नोटिस क्या आता है, क्योंकि सब कुछ डिपेंड है। देखिए आप लोग जितने भी एचएसबीटी का अभी तक नोटिस देखो, उसमें उन्होंने नीचे लिख देते हैं भाई ये डिपेंड होगा कोरोना कंडीशन पे एंड स्टेट गवर्नमेंट पे, अगर वो खोलती है तो ठीक है। लेकिन आज अभी कमरपाल गुजर जी ने क्लियर कहा है वीडियोज में, जो हमने ऐसा अभी तक सोचा भी नहीं है स्कूल खोलने को लेकर, जब भी सोचेंगे तो वो बता दिया जाएगा, वो एक अलग कंडीशन, बट अभी तक उन्होंने ऐसी कोई मीटिंग नहीं की है जिस मीटिंग में इन्होंने ये डिसाइड किया हो जो 1 तारीख से कॉलेज खुलेगा। तो इसलिए आप लोग कोई भी बच्चा कंफ्यूज मत होइए। अब क्या है, यहाँ पे एक बात मैं बताता हूँ, जो भी मिनिस्ट्री लेवल के जो इनके पीए होते हैं, पर्सनल असिस्टेंट होते हैं, या मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो आप इनके पर्सनल सेक्रेटरी होती है, ये काफ़ी वेल एजुकेटेड, ऐसा नहीं मंत्री भी होते हैं वेल एजुकेटेड, इसमें कोई दिक्कत, लेकिन ये लोग जो है ना मुख्यमंत्री के या फिर जो भी मिनिस्टर होते हैं
या जो भी प्रधानमंत्री, उनके अक्सर काम इन्हीं लोगों को करना पड़ता है और यही लोग संभालते हैं। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ एक पल को, राजेश गोयल सर प्लीज इस बात को आप दिल पे ना ले, और मैं इस बात को कोई भी एक बच्चा भी ना और ना राजेश गोयल सर, मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूँ, इसे आप पर्सनली व्यू ना लेके सोचे। देखिए आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए, जो अभी HSBT के जो सेक्रेटरी सर है, खुद पे भी मुझे गर्व होता है, वो अलग बात है, कभी सर ऐसा कुछ कर देते हैं बच्चों से रिलेटेड, अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं दिए, वो एक अलग कंडीशन है। लेकिन जब बात हो सर की पर्सनल बायोग्राफी पे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो हमारे राजेश गोयल सर है, ये अब कोई बच्चा ये ना सोचे जो सर पे प्रेशर आ गया इसलिए सर ऐसा तारीफ कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सर तारीफ करने के लायक है। अब एक पल को आप लोग ये सोचो, जो हमारे जो सेक्रेटरी सर है अभी राजेश गोयल सर, ये एक टाइम आपको बता देता हूँ, जो आपके अभी CM है, चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, जिनका नाम मनोहर लाल खट्टर जी है, उनके ये पर्सनल सेक्रेटरी रह चुके हैं। और आप सोच लो, जो बंदा मुख्यमंत्री का, चीफ मिनिस्टर का जो पर्सनल आपके रह चुके हैं एक टाइप से, तो आप सोच सकते हो उनका क्या लेवल होगा, उनका क्या थिंकिंग होगा, या वो कहाँ तक सोच सकते हैं, या कहाँ तक उनका अप्रोच होगा, ये बात तो आप लोग सोच रहे हो। जो रियली है वो मैं वीडियोज में बिल्कुल बताने में डर नहीं है, जो है वो है। और मैं राजेश गोयल सर से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, सर इसे आप पॉलिटिकल व्यू ना ले जाए, मैंने जो जहाँ तारीफ करने के लायक हो सर, वहाँ 100% तारीफ, मेरी आपकी कोई पर्सनली दुश्मनी मेरी नहीं है आपसे, लेकिन सर जब आप ऐसा कुछ करते हो तब गुस्सा आता, हाँ भाई सर ऐसा क्यों कर रहे हैं। आपने जब मेरे से रिलेटेड कोई नोटिस आया, मैंने माफ़ी मांगा, जब गलती होती है मैं अगले वीडियोज़ में आके माफ़ी मांगता हूँ। और सर कोई भी आपको लगता होगा हाँ भाई बंदा भौंक रहा है ऐसा वैसा, इतने प्रेशर पे होना भी, मुझे पता है जो जितने भी प्राइवेट कॉलेज, गवर्नमेंट वालों का इतना नहीं है, लेकिन जितने भी प्राइवेट कॉलेज इतना प्रेशर डाल रखा है, क्योंकि उनका सारा काला काम मैंने बंद कर रखा है, तो सर आप भी इस बात को समझो। और मैं कोई भी ये नहीं, हाँ भाई बच्चों को आया भड़का दिया, जो ऐसा वैसा कुछ नहीं है, भड़काना रहता तो बहुत कुछ ऐसा है, बहुत कुछ करके भड़का देता, लेकिन ये चीज़ें मत सोचो सर, आगे आपकी मर्जी। और सर प्लीज़ इस जो मैंने टॉपिक को आप पॉलिटिकल व्यू ना ले जाए, बच्चों को बताना भी ज़रूरी है जो भाई आपके सेक्रेटरी किस लेवल के हैं। और सभी बच्चे एक बात समझो, कोई भी बंदा या चीफ मिनिस्टर हो या फिर आपके मिनिस्ट्री लेवल के जितने भी बंदे होते हैं, उनके दो लोग, एक आपके पर्सनल असिस्टेंट और एक आपके हो गए पर्सनल सेक्रेटरी, ये काफ़ी वेल एजुकेटेड और साथ साथ एक वक्ता भी होते हैं। वक्ता कहने का मतलब ये होता है जो समझ भी पाए बात को और उसे बोल भी पाए। क्यों, काफ़ी जगह ऐसा होता है जब मुख्यमंत्री नहीं जा पाते या फिर नहीं तो उन्हें उनके जगह पे भेजा जाता है आपके पर्सनली सेक्रेटरी को, साहब आप जाओ और आप उस मुख्यमंत्री की जगह काम करो। तो आप सोच लो जो आपके सेक्रेटरी साहब है वो किस लेवल के बंदे हैं। तो आप आगे तो आप लोग समझ ही गए, और सर आई होप सर आप मुझे माफ़ कर दोगे, लेकिन जो रियली है वो मैंने बच्चों को बताया। और जो ये बात समझना भी चाहिए, हर बच्चे को ये बात पता होना चाहिए, जो आपके सेक्रेटरी है ऐसा नहीं, वेल एजुकेटेड इंसान है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, वक्ता भी अच्छे, आप जाके देख लो, उसमें कोई भी फ्रॉड की बात नहीं है, लेकिन सर कभी कभी गलत कर देते हैं। एक मांग बस हमारी ये, भाई ऑनलाइन पेपर करवा दो सर, जब पंजाब स्टेट बोर्ड के ऑनलाइन हो रहे, UP के हो रहे, दिल्ली के हो रहे, सर आपको क्या दूँ, मेरे से दुश्मनी है, पर्सनल सर व्हाट्सअप नंबर है सर, आप मेल के थ्रू एक टाइम फिक्स कर लो, मुझे बुला लो सर, मैं खुद आ जाऊंगा, क्या करो जाए तो थप्पड़ मारोगे, हाँ भाई छोटा बच्चा समझ के मार देना, क्या दिक्कत है, एक टाइम में मैं भी तो आपका स्टूडेंट रह चुका हूँ, आगे सर आपकी मर्जी। अब आपको ये बात लगता है जो दुश्मन है तब तो सर मैं कुछ नहीं कर सकता, छोड़ो सर, लेकिन आगे क्या बात बता हटाओ सर, तो अदर स्टेट स्टूडेंट प्लीज वेट फॉर फाइनल नोटिस, मैं सभी बच्चों को कहता हूँ जो आप लोग फाइनल नोटिस का वेट करो, और जितना जल्दी होता है मुझे लग रहा है HSBT अब आप लोगों को फाइनल नोटिस देने वाला है, 1 से 2 दिन के अंदर ये फाइनल नोटिस पक्का डिक्लेयर कर देंगे। उसके बाद है सर HSBT स्टूडेंट प्लीज शेयर, देखो बाबू मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, जो भी HSBT के स्टूडेंट हो, इसी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में मैंने कमरपाल गुजर जी का जो उन्होंने वीडियोस क्लिप डाला था उसका पूरा लिंक डाल रखा है, आप लोग वहाँ पे जाके रिट्वीट करके अपनी जो भी प्रॉब्लम है वहाँ पे आप लोग लिखिए, ट्विटर पे, ये नहीं आप बहुत बच्चे सर व्हाट्सएप पे, जो बच्चे ट्विटर यूज़ नहीं करते हो आप लोग ट्विटर यूज़ करना सीखो और वहाँ पे जाके उन्हें रिट्वीट करो, और साथ साथ जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसे कॉमेंट करो, साथ आज अधिक से अधिक लोगों को आप क्या करो हैशटैग में यूज़ करो, ताकि भाई उनके पास और भी जा सके, ठीक है। तो ये सारा प्रॉब्लम था, इसलिए आप सभी बच्चों के लिए कह देता हूँ, जो आपका प्रैक्टिकल जो होने वाला था ऑफलाइन मोड में, ये ऐसे समझो बहुत कम चांस है। अब आगे अब देखिए फाइनल नोटिस का वेट कीजिए, HSBT क्या देता है, लेकिन जो भी अपडेट था मैं सभी बच्चों को दे रहा हूँ, इसलिए जो भी बच्चे आज पहली बार चैनल पे आए हो, आए हो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, चलो बच्चे आज थका हुआ इसलिए थोड़ा वर्डिंग ऐसा हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, मिलते हैं हम अगले वीडियोज, अगले टॉपिक, अगले क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी अपडेट होगा मैं सभी बच्चों तक देने की कोशिश करूंगा। और मैं माननीय सर से रिक्वेस्ट करता हूँ, सर इस बात को आप पर्सनली ना ले जाए,
लेकिन जो था सर वो मैंने बताया, जब भाई बंदे तारीफ करने के लायक है तो तारीफ क्यों ना किए जाए, 100% तारीफ बनता है जब आप उस लायक हो, तो हमने तारीफ की। अब आगे आपकी मर्जी, आप अगर उसको गलत तरीके से सोचोगे तो गलत होगा, अच्छे तरीके से सोचोगे तो अच्छा होगा। आगे सर मैं आपको क्या बताऊं, छोड़, जो था मैंने बताया। आप पर्सनल सेक्रेटरी रहे, मैंने बताया भाई सर हमारे पर्सनल सेक्रेटरी रह चुके हैं, अब इसमें कोई गलत बात तो है नहीं, ये तो नहीं आप कोई गलत काम कर रहे थे। आगे सर आपकी मर्जी, अब सर आप गुरु हो, अब आपका अगर आप क्षमा करना चाहो कर दो, वरना सर क्या करो, गाली देके सो जाना और क्या करोगे। चलो सर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय ऑफ यू, आई होप हमारे सारे बच्चे ठीक होंगे। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। सरकार ने इस प्रकार का कोई फैसला किया तो बैठ के विचार करेंगे, जो भी डेट फाइनल होगी उसके बाद उसकी जानकारी देंगे। लेकिन अभी तक जो भी खबर जहाँ जैसा मुझे जानकारी मिली आपके माध्यम से मिली, जो लोगों ने मुझे बताया, लेकिन उस खबर में कोई सत्यता नहीं। क्या ऐसे लोगों की कार्रवाई होगी, बार बार इस तरह की अफवाहें फैला दी जाती हैं? देखिए अगर इस प्रकार के अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।